हाय एवरीवन, वेलकम टू करण क्रंच। तो आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। ये एक मोटिवेशन वीडियो है ऑन डिमांड, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा मैसेजेस, मेल्स, व्हाट्सएप टेक्स्ट आ रहे हैं कि एंड कमेंट्स में भी कईयों ने लिखा है कि हम डिमोटिवेट हो रहे हैं बाकियों के रिजल्ट देख के। बाकी लोग 80-90 मार्क्स जो है वो स्कोर कर पा रहे हैं, एंड उनको देख के हम काफी ज्यादा इस टाइम पे डिमोटिवेट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस चैनल से पढ़ा है, एंड उन स्टूडेंट्स ने भी जो आज इस वीडियो को शायद पहली बार देख रहे हो और जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा होगा मेरा पढ़ाया हुआ कुछ भी, तो सबके लिए एक वीडियो रहेगा, एक मोटिवेशन वीडियो। फाइन, इसको एंड तक जरूर देखना। लास्ट में मैं आपको एक कोट बताऊंगी, ठीक है? वो एक बहुत ही अच्छा कोट है, अगर आप उसको अप्लाई करें लाइफ के हर स्टेज में, ना कि सिर्फ इस एग्जाम में, आपको हर स्टेज में वो कोट जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, जिन्होंने अभी तक ये चैनल नहीं देखी, तो इस पे मैं कोर्सेज लेके आती हूँ आपके JKSSB सुपरवाइजर एग्जाम में। जो स्पेशलाइजेशन वाला पोर्शन है वो मैंने कंप्लीट कराया हुआ है। करंटली हमारी मैराथन कम रिविजन सीरीज चल रही है, एंड MCQ सीरीज जो है वो भी चल रही है। MCQ हमने यूनिट 1 एंड 2 का हो गया है। यूनिट 3 के जो MCQs हैं उसका PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दिया है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको क्या करना है, वहां से वो PDF डाउनलोड करनी है, वो टेस्ट अटेम्प्ट करना है, फिर आज लेट इवनिंग में और टुमारो मॉर्निंग डेफिनेटली इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी आपकी उस की रिकॉर्डिंग हो जाए। ठीक है, तो फिर वो मैं आपको दे दूंगी। यूनिट 3 का हमारा MCQ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में यूनिट 4 का MCQ, वैसे ही पहले आपको PDF, फिर उसका वीडियो, एंड उसके बाद हमारा यूनिट 5 का रिवीजन कम मैराथन रहता है, फिर वो कंप्लीट करेंगे, एंड उसके बाद स्कीम्स का। ठीक है, तो आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि मेरे वीडियोज आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्या मैं टाइम से पहले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज दूंगी। मैं टाइम से पहले आपको सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज एंड काफी जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे और भी वीडियोज आने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है, टाइम कंस्टेंट है मेरे पास। अभी मेरी बेटी अभी 1.5 महीने की ही है, एक बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह 3 इयर्स का होने वाला है, तो इस सबको मैनेज करना और साथ में रिकॉर्डिंग एंड ऑल तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन आपका सारा जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है आपको एग्जाम से पहले सब कुछ मिल जाएगा, एंड उस टाइम पे मिलेगा जिस टाइम पे आपके लिए वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मुझे कॉमेंट से बताएं आपको वीडियोज कैसे लगते हैं। दिस इज मी कुरत मलिक फ्रॉम करण क्रंच। ठीक है, आई एम एन इंजीनियर रिसर्च स्कॉलर इन सोशियोलॉजी, आई क्वालिफाइड नेट, एंड आई हैव टॉट ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक StudyIQ एंड Unacademy। आप वहां से भी मेरी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं अभी करंटली स्पेशलाइजेशन और आने वाले टाइम में JKPSC का जो GS के रिलेटेड वीडियोज होंगे, एंड सोशोलॉजी ऑप्शन भी चल रहा है हमारा UPSC का, उसमें नितिन सर की पेपर 1 कम्प्लीट हो गई है, पेपर 2 होने वाली है। फाइन, ये था मेरा एक इंट्रोडक्शन जो इम्पॉर्टेंट रहता है हर वीडियो से पहले देने का। मेरे स्टूडेंट्स को भी पता ही होगा, आई थिंक उनको रट भी गई होंगी सारी लाइनें जो मैं बोलती हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम आज का मोटिवेशन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है स्टूडेंट्स को, जैसा कि मुझे मैसेज में एंड जैसा कि मुझे मेल किया है, कई उन्होंने कॉमेंट भी किया था कि उनको लग रहा है बाकी बच्चे काफी अच्छा स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, इस टाइम पे किसी और का स्कोर देखना बहुत ही ज्यादा डिट्रीमेंटल होगा आपके एग्जाम के लिए, मैं बोल रही हूँ। इस टाइम पे आप अगर किसी और की तरफ नजर रखोगे, दूसरा क्या कर रहा है, यू विल मिस दिस टारगेट, भूल जाए। आपको क्या करना है, दिस इज योर सुपरवाइजर एग्जाम, ठीक, ये आपका सुपरवाइजर एग्जाम जो आपको क्वालिफाई करना है, और ये आप हो यहाँ पे खड़े हो, एंड आप क्या कर रहे हो, आप दाएं बाएं जो बच्चे हैं उनकी तरफ देख रहे हो कि किसने कितना स्कोर किया। तो जितना आपकी नजरें दाएं बाएं जाएंगी, उतना ही आपको अपने टारगेट में अचीव करने में टाइम ज्यादा लग जाएगा, एंड उतनी ही ज्यादा मुश्किलें आएंगी। आपको क्या करना है इस टाइम, खासकर जब आपके पास सिर्फ 1 मंथ रह गया है एग्जाम के लिए, यू शुड नॉट बी बॉदर्ड अबाउट कि कौन कौन है इस टाइम पे आपके कॉम्पिटिशन में। उसके वीडियोस मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था क्यों SSB के लिए आपको हाई लेवल तैयारी रखनी है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो नो डाउट काफी ज्यादा इस टाइम पे तैयार होके आए होंगे। ठीक है, पर आपको वो नहीं सोचना है, क्योंकि आप भी आपने तैयारी की हुई है। पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस वापस लेके आओ। ठीक है, आपने मेरे सारे वीडियोस देखे हैं, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट की है, अच्छे से सब कुछ किया हुआ है, आप कॉन्फिडेंट हो, आपकी प्रिपरेशन है। ठीक, अब अगर इस टाइम पे आप बाकियों के रिजल्ट देखोगे, आप अपने टारगेट से उतने ही दूर हो जाओगे। आपको क्या करना है, ये आपकी आंखें हैं और ये आपको हिट करना है बुल्स आई। तो आपको एक सीधे रास्ते पे इस टाइम पे अपनी नजर रखनी है, आपको दाएं बाएं अपनी नजर नहीं घुमानी है, वो बहुत ही ज्यादा इस टाइम पे आपके लिए डिट्रीमेंटल होगा आपके रिजल्ट के लिए, ये मैं आपको बोल रही हूँ।
मैं आपके फीलिंग्स को निगेट नहीं कर रही, इनवैलिडेट नहीं कर रही कि यू शुड नॉट फील एंग्शियस बिल्कुल भी या नर्वस बिल्कुल भी मत हो जाओ, डिमोटिवेट बिल्कुल ही नहीं होना है, 0% भी नहीं। आई नो ये सब चीजें ये नेचुरल है, ठीक है, मेरे साथ भी हुआ है। एग्जाम से पहले कोई भी चाहे हो, ऑल इंडिया रैंक 1 भी हो, वो उसके अंदर भी ये फीलिंग आती है, वो नेचुरल है वो फीलिंग आना। आपको बस सोचना है ये फीलिंग इसीलिए आ रही है क्योंकि मैं इंसान, ठीक है, और मेरे अंदर ये सारे जो फीलिंग्स है ये ऑर्गेनिक डेवलप होती हैं। ठीक, 5 मिनट्स उस फीलिंग्स में रहो, फीलिंग में रहो, 10 मिनट्स रहो, 15 मिनट्स रहो, उसके बाद क्विकली बाउंस बैक, क्योंकि दिमाग में रखो टाइम कम है, एग्जाम क्वालिफाई करना है। फाइन, तो आपको क्या करना है, आपको इस टाइम दाएं बाएं किसी का रिजल्ट नहीं देखना है, अपना टारगेट मिस नहीं करना है, स्ट्रेट आपको बुलजाए पे हिट करना है और यहां से आपको आपकी पोजिशन मिलेगी। एंड आपको याद रखना है कि अगर ये आपकी किस्मत में है एंड आपने सिंसियरली प्रिपेयर किया है, इंशाल्लाह आई होप आपकी किस्मत में होगा, ये कोई नहीं आपसे छीन सकता। किसी का रिस्क जो है, हर किसी का रिस्क जो है वो अलग होता है, किसी और का रिस्क जो है वो आपके रिस्क पे कोई असर नहीं डालेगा, आपका रिस्क जो है वो किसी और के हिस्से का रिस्क छीन के नहीं आया है, आपको अपनी किस्मत का मिलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, अब आपने पढ़ा हुआ है, आपको अभी भी आई वुड से कि आपके पास बहुत टाइम है, यू हैव 22 डेज, 22 दिनों में दुनिया बदल सकती है, तख्ते पलट हो जाते हैं 22 दिनों में। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है, अपना फोकस अपनी तरफ रखना है, ना कि दाएं बाएं तरफ। एंड आई गॉट टू नो कि कोई लाइव एनालाइज कर रहे हैं रिजल्ट वगैरह, दिस इज ऑल पब्लिसिटी, ये वो अपने चैनल के फायदे के लिए कर रहे हैं। इससे ना उन स्टूडेंट्स का कुछ भला हो रहा है जिनका वो रिजल्ट आया है, क्यों, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, ठीक है, एंड ना आपका भला हो रहा है क्योंकि आप डीमोटिवेट हो रहे हो, ये बस उनकी पब्लिसिटी है, आप उस पर नहीं जाओ। फाइन, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो मॉक में 100% लाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इस बात पे तो आपको बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेनी है। फिर अब मैं आपको क्या बोलने वाली हूँ कि आपका भी फोकस क्या होना चाहिए, रिविजन रिवाइज करो। फॉर एग्जाम्पल, आपने यूनिट 1 आज रिवाइज किया है, आपको उस दिन उसका मॉक अटेम्प्ट नहीं करना है, उसके नेक्स्ट डे विदाउट रिवाइजिंग, विदाउट लुकिंग एट योर नोट्स, आपने एक दिन पहले रिवाइज किया, आज 30 मई है, ठीक, एंड मई उसके बाद 31 मई आएगा, 31 मई। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने यूनिट 1 रिवाइज किया है, सुबह उठो मॉर्निंग में 10 बजे, आप क्या करो, जब आपका यूजुअली एग्जाम जिस टाइम पे होता है उसी टाइम पे ये आपको टेस्ट अपना अटेम्प्ट करना चाहिए, अब यूनिट 1 को बिना देखे इसका मॉक अटेम्प्ट करो, ये नहीं सुबह रिवाइज किया शाम को कर रहे हो, ये उस दिन आपको जिस दिन जो यूनिट रिवाइज करो उसके नेक्स्ट डे ही उसका मॉक अटेम्प्ट करना है, तभी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, उसके बाद जब रिजल्ट एनालाइज, देखो रिजल्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो मैं वीडियो लाती हूँ एमसीक्यू के एनालिसिस का, वो देखा करो। फाइन, तो उसके बाद आपने एनालाइज किया, फिर देखो आपका क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है, क्या मेमोराइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, अगर मेमोराइजेशन में कोई प्रॉब्लम है तो और रिविजन करो, फैक्ट्स अंडरस्टैंड करो, क्या आपको क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम आई, दैट मीन्स आपके कॉन्सेप्ट कहीं क्लियर नहीं हुए हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं क्वेश्चन मुझे मेल कर सकते हो, जितना मैं कोशिश करती हूँ आपके कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन जो है उनके आंसर करने की। ठीक है, बाद में अगर आप मुझे अननेसेसरी टेक्स्ट करोगे, सिर्फ यही इस टेलीग्राम की लिंक दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उन मेल्स का भी मैं रिप्लाई करती हूँ, पर मेरे थोड़े टाइम की आप कदर करो, मैं ऐसे हर मैसेज का जवाब नहीं दे सकती। हाँ, अगर कंसेप्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगी उसका आपको जल्दी आंसर कर दूँ। फिर आपको अपने रिविजन से एनालाइज करना है, अपने एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपने सीरीज अटेम्प्ट की होगी, क्या मेमोराइजेशन की प्रॉब्लम है तो रिविजन पे फोकस करो उस टॉपिक की, या कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कर सकते हो, या खुद से मेरे वीडियोस अगर मैंने समझाया हुआ है दोबारा देख सकते हो, मैसेज मुझे लास्ट में करना अगर बिल्कुल ही कहीं से आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो मेरे वीडियोस दोबारा देखो जहां पे कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने हर चीज को काफी तोड़ के आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है। फाइन, तो फिर से रिवाइज करो, उसके बाद नेक्स्ट डे फिर से मॉक दे दो, ये आपका इस टाइम पे वे होना चाहिए, फोकस आपका सबसे पहले रिविजन पे होना चाहिए, बिना रिविजन के मॉक नहीं देना, क्योंकि रिविजन के बगैर मॉक दोगे जो आपने गलत किए उनकी भी, जो आपने सही किए होंगे उस मॉक में वो भी हो सकता है तुक्के से सही हो जाए, और जो गलत किए हैं वो आपको डिमोटिवेट करेंगे, तो रिविजन रिविजन रिविजन, आई वुड से 3 टाइम्स इस टाइम पे रिविजन पे फोकस करो, एंड 1% 1 टाइम मॉक देने पे। ठीक है, हो गया ये। एंड आपको मैं बोलूं, आप जो दाएं बाएं लोगों के रिजल्ट देख के डीमोटिवेट हो रहे हो वो आप नहीं हो जाओ, क्योंकि मुझे इस चीज से, इस कमेंट जब मैंने पढ़ा था एक स्टूडेंट का आया था, मुझे याद आई बात टीना डाबी मैम की, वो AIR 1 IAS ऑफिसर, उनको तो सारे जानते ही होंगे,
उन्होंने कहा जब वो विजन आईज की सीरीज वगैरह मॉक देने जाते थे तो वहां पे स्टूडेंट्स की बातें सुनते थे कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये भी लिखना था, इस क्वेश्चन में ये भी लिखना था, मैंने तो ऐसा किया, मैंने तो वैसा किया। ठीक है, ये उनका आसपास के स्टूडेंट्स का ये होता था बोलने का तरीका। एंड वो बाद में कंफ्यूज हो जाते थे घर आके, वो सोचते थे कि बच्चों की तैयारी तो बहुत ज्यादा है, मैंने तो ऐसा सारा कुछ भी नहीं पढ़ा है, शायद पढ़ूं भी नहीं, लिखूं भी नहीं ऐसा एग्जाम में, कि बच्चों की इतनी ज्यादा तैयारी है तो मेरी उस कंपैरिजन में बहुत कम है। तो ऐसी फीलिंग उनको आती थी, और बाद में वो AIR 1 थी। ठीक है, तो दाएं बाएं पे फोकस मत करो। एंड उसी साल AIR 5 थी, आई गेस आकृति शर्मा मैम नाम था उनका, कि आरती शर्मा, आई डोंट रिमेम्बर। तो उन्होंने कहा जब उन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया, वो घर वापस जब होटल रूम में गई तो उन्होंने काफी रोया, क्योंकि उनको लगा कि उनका पेपर बहुत गंदा हुआ है, GS 3 की, GS 2 खासकर। एंड देन बाद में उसी सब्जेक्ट में उनके ज्यादा मार्क्स आए थे। ठीक है, इसीलिए ये सब क्या हो रहा है उस पर अभी फोकस मत करो इस टाइम पे, डीमोटिवेट हो थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट्स, ठीक है, उसके बाद बाउंस बैक करो क्विकली, एंड फोकस जो है अपना रिविजन पे प्लस मॉक पे। आपने पढ़ा है सारा, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, अपना कॉन्फिडेंस वापस लेके आओ। कभी कभी बच्चे कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से एग्जाम में रह जाते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस वापस लेके आओ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना है, आप कॉन्फिडेंट रहो, आपने पढ़ा है पढ़ा है पढ़ा है। एंड ये एग्जाम अगर आपकी किस्मत में हुआ और आपने सिंसियरली मेहनत की है, आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, जो लास्ट से मैंने कहा था एक कोट मैं आपको बताऊंगी, वो ये है, एवरीवन न्यू इट वॉज इम्पॉसिबल अंटिल अ फूल हु डिडंट नो केम अलोंग एंड डिड इट। ठीक है, अभी इतना कम टाइम, हर कोई कह रहा है कम टाइम मिला एंड ऑल, इतने 20 दिनों में भी कुछ नहीं होगा हमसे, हर किसी को इम्पॉसिबल लग रहा है। इस टाइम पे एक फूल होगा जो सोचेगा इम्पॉसिबल नहीं है, मैं कर लूंगा, वो सबको फूल लगेगा, एक्चुअली मैं फूल नहीं होगा, वो सबको इस टाइम बेवकूफ लगेगा कि ये कैसी बात कर रहा है, ये इम्पॉसिबल है करना। तो बी दैट फूल इस टाइम पे, ये मत सोचो कि रैशनैलिटी साइड में रखो, टाइम कम है, इम्पॉसिबल है, अपने लॉजिक को साइड में रखो, बी दैट फूल एंड थिंक कि आई कैन डू इट। ठीक है, जब आप में वो पावर आएगी ना कि मैं कर सकता हूं, तो नेचुरली ये जो यूनिवर्स है ये अकॉर्डिंगली एक्ट करता है, जो पॉजिटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव को ही अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव ही रिफ्लेक्ट करेगी, तो सारी पॉजिटिविटी ही रहेगी एंड फिर इंशाल्लाह आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। तो कॉन्फिडेंस लाओ खुद में, बी दैट फूल, नो कि इट कैन बी डन, फाइन, एंड आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपने अच्छे से पढ़ा है। आने वाले टाइम में मैं इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उन पे भी एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, तो वो भी आप देख लेना एक बारी, वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो और मैं आपको क्या बोलूँ, हाँ, MCQs अटेम्प्ट करो, रिविजन करो, फाइन, अगर आपका 100% सिलेबस कंप्लीट है लेकिन ऊपर ऊपर से उसके बजाय अगर आप 70% ही करो, लेकिन इतना करो कि एटलीस्ट उसमें से आप 90% स्कोर कर पाओ, ये आपका गोल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप करो, बाद में कोई भी अगर प्रॉब्लम हो आप, मैं यही हूँ, आप मुझे मेल कर सकते हैं, currentcrunch411@gmail.com। ठीक है, अब देखो जो बेसिक क्वेश्चंस है ना, जैसे कि मैम टेलीग्राम की लिंक दे दो, ये करो, मैं आपको वीडियो में बोलती तो हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उस पर क्लिक करो, नीचे लिंक मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप की, वो ज्वाइन करो। ठीक है, वहां पे सारा PDF आपको मिल जाएगा, जो नहीं है उस पे मैं ही उसी पे मैं अपलोड करूंगी, तो वहां से आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट वन थिंग, मतलब से आई वुड लाइक टू से वन थिंग, कि ट्रीट इट एज एन एग्जाम, इसको लाइफ का वो मत बनाओ कि अगर ये नहीं मिला शायद मैं जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाऊँ, वो इसको नहीं बनाओ, ये एग्जाम है, इसको एग्जाम की तरह लो, इसको जिंदगी की एक वो जिंदा रहने की वो एक चीज नहीं बनाओ कि ये नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि यू नेवर नो फ्यूचर में कौन सी चीज खुशी देती है कौन सी नहीं देती है, वो इंसान के हाथ में नहीं होता, आपको बस ये इसको एक एग्जाम की तरह लो। ठीक है, एंड ये गलती मत करो जो बाकी बहुत लोग करते हैं, कि एग्जाम को ऐसा इंपॉर्टेंट चीज बना दिया कि आपको लगता है कि इस एग्जाम के अलावा कुछ है ही नहीं, बट देन नहीं होती अल्लाह की मर्जी किसी को क्वालिफाई करवाने की, वो नहीं करवाता, ठीक है, वो आपके हाथ में नहीं है, तो आपको एग्जाम को एग्जाम की तरह लेना है एंड बस अपनी मेहनत करनी है, रिवाइज करो, MCQs करो, बस ये उतना मुश्किल नहीं है, हो जाएगा इंशाल्लाह। तो कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे मेल करें, एंड देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जिसने अभी तक नहीं किया। मुझे यूट्यूब एनालिटिक्स कहता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उसमें से 42-44% ऐसे हैं जो रेगुलर वॉचर्स हैं लेकिन उन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देखो ये बड़ी गलत बात है, क्योंकि फ्री आपको सब कुछ मिल रहा है एंड आपको बस सब्सक्राइब करना है, दैट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और हम वो भी नहीं कर रहे हो तो दैट इज वेरी रॉन्ग। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड जो कमेंट से बताएं आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, एंड आई होप कि आपको आज के सेशन से कुछ
सीखने को मिला हो। टिल द टाइम आई अपलोड नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।